हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन नंबर टेन द बेनियन ट्री वर्किंग विद द टेक्स्ट पार्ट ए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये आपको सिक्स सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं सारे के सारे इनकम्प्लीट हैं इनको आपने कंप्लीट करना है फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं द ओल्ड बेनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज जो बूढ़ा बरगद का पेड़ था बरगद का पेड़ बूढ़ा बरगद का पेड़ था वो अब लड़के से संबद्ध था अब उसका जो संबंध है वो दादाजी के साथ नहीं था बिकॉज क्यों ग्रैंडफादर एट सिक्सटी फाइव कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट क्योंकि पैंसठ वर्ष की आयु में दादाजी अब इस पर नहीं चढ़ सकते थे लेकिन लड़का चढ़ सकता था ग्रैंडफादर एट सिक्सटी फाइव नो लॉन्गर क्लाइम इट ये आप कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट है द स्मॉल ग्रे स्क्ल स्क्स गिलहरी बिकेम फ्रेंडली वैन छोटे सिलेटी रंग के जो स्क्वेल हैं उसने फ्रेंडली बिहेव करना दोस्ताना बर्ताव करना शुरू कर दिया वैन कब कंप्लीट कीजिए आई स्केंट आर्म और एयर गन जब स्कोल को यकीन आ गया कि मेरे पास ना तो एयर गन है और ना ही यानी के गुलेल है जब उसे यकीन आ गया मेरे पास ना तो एयर गन है और ना ही गुलेल है तो उसने फ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर दिया ये आप कंप्लीट कर देंगे नंबर थ्री वन द बॉय स्टार्टिड टू ब्रिंग हिम पीसिस ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्ल जब लड़के ने स्क्वेल के लिए केक और बिस्किट लाने शुरू कर दिए उनके पीसिस उनके टुकड़े लाने शुरू कर दिए देन द स्क्ल तो स्क्वाल हैं उसने क्या किया ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोरसेल्स मोरसेल्स मींस निवाला फ्रॉम हैंड तो जब लड़के ने केक और बिस्किट के टुकड़े स्क्वायर के लिए लाने शुरू कर दिए तो स्क्वायर के बारे में यहां बतलाया गया है आप कंप्लीट करेंगे द स्क्वायर ग्रू क्वाइट बोल्ड स्क्वायर यहां पर उसका जो भय है डर है वो निकल जाता है स्क्वायर बोल्ड हो जाते हैं एंड वो सून टेकिंग मोस्ल्स फ्रॉम हैंड और स्क्वेल ने हाथों से निवाला लेना शुरू कर दिया स्क्वाल ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोशल्स फ्रॉम हैंड मोशल्स मींस निवाला स्क्ल का डर भय निकल गया और जल्द ही उसने हाथों से निवाला लेना शुरू कर दिया द स्क्वेल ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोर्सेल्स फ्रॉम हैंड ये आप कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट इन द स्प्रिंग द बेनियन ट्री ब्लैंक एंड ब्लैंक वुड कम देयर देखिए यहां कंप्लीट आप करेंगे इन द स्प्रिंग बसंत ऋतु में वाज़ वॉज ऑफ़ स्मॉल रेड रेड फिक्स फिक्स स्मॉल का मतलब है जो बरगद के पेड़ पर फ्रूट्स लगते हैं रेड कलर के उनको रेड फिक्स कहा गया है एंड बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड कम देयर बसंत ऋतु में बरगद के पेड़ पर रेड फिक्स लगते थे फ्रूट्स लगते थे और सभी प्रकार के जो पक्षी हैं वो वहाँ आते थे आया करते थे नंबर फाइव द बैनियन ट्री सर्व द बॉय एज कंप्लीट करेंगे क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी ये जो बैनियन ट्री है ये लड़के के लिए अध्ययन करने के लिए एक शांत स्थान का काम करता था बरगद का जो पेड़ है यह लड़के के लिए अध्ययन करने के लिए एक शांत स्थान के रूप में काम करता था ट्री सर्व द बॉय एज अ क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी यह आप ऐड करके कंप्लीट कर देंगे द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून इन द ट्री लड़का जो है अपनी दोपहर को पेड़ पर ही बिताता था पेड़ के साथ ही बिताता था क्या करता था कंप्लीट करेंगे आप फॉर स्टडिंग एंड रेस्टिंग इन द बेनियन ट्री वहीं बेनियन ट्री पर ही आराम करता था और अपने अध्ययन करता था फॉर स्टडिंग एंड रेस्टिंग इन द बेनियन ट्री इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे और ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर यहाँ आपको मिल जाता है नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए थैंक्स हैव अ नाइस डे